पंचायती राज नगर निकायों के चुनावों से पहले मतदाताओं के नाम सूची में दर्ज करवाने के लिए जिला प्रशासन हमीरपुर के द्वारा कमर कसते हुए मोबाइल वैन के माध्यम से अपील की जा रही है, ताकि लोकतंत्र के महाकुंभ चुनावों में कोई भी मतदाता अपने मत का प्रयोग करने से चूक न जाए। इसी कड़ी में हमीरपुर उपायुक्त कार्यालय परिसर में उपायुक्त देवा श्वेता बनिक ने निर्वाचन विभाग की जागरूकता अभियान की मोबाइल वैन का रिबन काट कर और झंडे दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर एडीएम जितेंद्र सांसडा, एसडीएम डॉक्टर चिरंजी लाल चौहान भी मौजूद रहे। बता दें कि ये मतदाता जागरूकता अभियान 15 दिसंबर तक जारी रहेगा, जिसके तहत जिला भर में मोबाइल वैन गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेगी। उपायुक्त हमीरपुर देव श्वेता बनिक ने बताया कि निर्वाचन विभाग के द्वारा हमीरपुर जिला में मतदाता लिस्ट का पुनरीक्षण किया जा रहा है और लोगों से वोट बनाने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 15 दिसंबर तक पूरे जिला भर में निर्वाचन विभाग की मोबाइल वैन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि जिन लोगों ने अभी तक अपना मत नहीं बनवाया है, वे जल्द अपना मत बनवाएं और चुनावों में अवश्य अपने मत का प्रयोग करें। हमारे निर्वाचन आयोग द्वारा जो है स्पेशल समरी रिविजन जो है साल में दो बार की जाती है, और उसी के तहत इस बार अभी 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक जो है स्पेशल समरी रिविजन जो है वोटर लिस्ट की वो की जा रही है पूरे ज़िले में। इसमें हम सभी लोगों से अपील करेंगे, जितने मतदाता हैं वो अपना वोट जो है वो बनवा सकते हैं। अगर कोई छूट गया है या पहले नहीं बना हुआ है किसी का भी वोट, तो हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स BLOs जो हैं वो पोलिंग स्टेशन्स में रहेंगे और वो अपना जो है फॉर्म 6, 7 और 8 के माध्यम से, नए वोटर्स फॉर्म 6 के माध्यम से अपना नाम ऐड करवा सकते हैं, या कहीं चेंजिंग करनी है, कोई एड्रेस चेंज करना है, कोई करेक्शन करना है तो फॉर्म 8 के माध्यम से जो है करेक्शन करवा सकते हैं। मैं सभी मतदाताओं से जो हमारे साथ जुड़ेंगे उन सबसे गुजारिश करती हूँ, सभी लोगों से गुजारिश करती हूँ कि अपना जो है नाम वोटर लिस्ट में ज़रूर चेक करें, और अपना नाम अगर नहीं है या कट गया है किसी कारण से या कोई गलती रह गई है तो उसको ज़रूर ठीक करवाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना वोट बनवाएँ। गौरतलब है कि हर साल ही चुनाव आयोग के द्वारा मतदाताओं की वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण किया जाता है, और इसी के चलते हमीरपुर में निर्वाचन आयोग के द्वारा जागरूकता अभियान के तहत काम किया जा रहा है। वहीं दिसंबर माह में पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव भी होना प्रस्तावित है, जिसके चलते अब चुनाव आयोग ने पूरी तरह से कमर कस ली है।